सो वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी ना मैं आज जल्दी उठ गया था 3:40-3:45 में, और अभी 4:20 के आसपास हो रहा है। और मैं जा रहा हूँ कहीं, मैं बताऊँगा नहीं कहाँ जा रहा हूँ। आप लोगों से सजेस्ट करना कहाँ जा रहा हूँ मैं, कुछ काम था इसलिए निकला हुआ हूँ। जल्दी से जा रहा हूँ ट्रेन पे, और अभी हमारे पास टिकट भी नहीं है ट्रेन का। तो फाइनली चल के स्टेशन पहुंच चुके हैं। घर से निकले थे करीब वही में 4:20 के आसपास, और 4:50 पर ट्रेन थी। ट्रेन लेट हो गई है, मैं चल के मुझे लगा कि रिक्शे मिल जाएंगे, बट रिक्शे नहीं मिले। तो 1 किलोमीटर चला हूँ मैं करीब, और 4:53 में स्टेशन पे आ गया हूँ। और स्टेशन में ज़रा कुछ ऐसे तो खाली पड़े हैं सब, ठंडी रस्के क्योंकि ठंडे में ट्रैवल। सामने से दिख रहा है पीला गोला, वही ट्रेन की लाइट है। वो ट्रेन आ चुकी है हमारी। अब जब आपके पास टिकट ना हो ना, तो कुछ ऐसे से यात्रा करनी पड़ती है। ऊपर वाली सीट में बैठा हूँ, देख रहे हैं ठंडी लग रही है, और लोग नीचे अपनी सीट्स में बैठे हुए हैं। हमारे पास तो टिकट भी नहीं था, ऐसे ऊपर ही बैठे हुए। बस थोड़ी देर और उसके बाद पहुंच जाएंगे हम। अभी टाइम है, आज ट्रेन लेट हो गया ना, इसलिए अभी आधे घंटे और लगेंगे। मतलब सुनो, मैं घर से मतलब सोचो 4 बजे का निकला हूँ और 10 बजे पहुँचूंगा। बहुत लंबा ट्रैवल, पहुँच रहा हूँ धीरे धीरे। स्टेशन से बाहर आ गया हूँ, इतना डर लग रहा था कि इससे देखते हुए आया था कि बेटी ना हो कोई ना हो। पता है तो दिक्कत होती है जब आपके पास होटल लगता है टिकट में, इसकी सवार आ पाया। अभी हमारा मित्र नहीं आया है क्योंकि उसको वहाँ पर कुछ काम आ गया था, तो उसका वेट कर रहा हूँ मैं। और बोल रहा है 12 बजे तक आएगा, और अभी बजा हुआ है 10:30 हुआ है, तो वेट करना तो पड़ेगा ही। तो हमारा भाई आ चुका है, और बताया तो उसने डॉमिनोज के बाहर सामने खड़ा है, बट वो दिख ही नहीं था। जाके देखता हूँ काम करा है वो। ये है वो जिनसे हम मिलने आए हैं। पता कुछ भी सही हो सकता है, लेकिन ये अमीनाबाद वाला जाम सही नहीं हो सकता। देखो यहाँ से वहाँ तक जाम लगा हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता। अभी ये दिख रहा है जो मैं पुलिस लाइन के अंदर में हूँ, जा रहा था कैंटीन कुछ सामान लेना था, और ये हम कैंटीन के बाहर खड़े हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है कैंटीन बाहर से। अब अंदर जाऊंगा तो बताता हूँ अंदर कैसा दिखता है। सामान तो बहुत सारा ले लिया हम लोगों ने, लेकिन हमारे पास भर के लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से एक बोरी को जुगाड़ हुआ है। सारा सामान हमने पैक कर लिया इसके अंदर। ये रहना भाई जो वाहिनी के अंदर है, कुछ ऐसा नजारा है। ट्रेन तो हमारी छूट गई थी, तो इसलिए हमें बस लेनी पड़ी। बस तो मिल गई है, और अब पहले हम पहुँचेंगे कानपुर, देन फिर घर।
10 मिनट लेट हो गया। देखो इतना अभी 10 मिनट पहले होता ना तो 9:30 बजे घर पहुंच जाता, और अभी कानपुर में हूँ। दिन 2 घंटे और ट्रैवल करो उसके बाद पहुंचेंगे। और अभी जब आया तो इंक्वायरी में पता किया तो पता चला कोई बस ही नहीं है, क्योंकि सारी बस चुनाव में लगी हुई है। बट मेरा मन नहीं माना तो मैं आ गया जहाँ पे आप जो प्लेटफॉर्म है ना हमारे वाला, मतलब जहाँ से हमारी बस जाती है, तो मैं आया और बहुत सारा सामान था। मैं तो फोटो नहीं खींचने दिखाता, बोरी को गोद में लेकर दौड़ना पड़ा, चलना पड़ा। एक पिट्ठू बैग, एक और बैग, इतना सारा सामान लेकर मैं चला हूँ। और अभी भी इस बस में बैठा हूँ तो बोल रहे हैं कि अभी बस खराब है, बस बनेगी दिन फिर चलेगी। और 10:30 बज रहे हैं, फिर बताता हूँ आगे जैसा होता है। अभी केवल बस हमारी 20 से 25 किलोमीटर आगे चली होगी कानपुर से, और तब से भयंकर जाम लगा हुआ है। और टाइम हो गया है 1:30 बज चुके हैं रात के, और हम बस में बैठे थे 10:30 बजे, तब से बस 20-25 किलोमीटर चले, इतना जाम है। और आगे कांड भी हो गया, लड़ाई भी हो रही है। सो गुड मॉर्निंग, और अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और मैं अभी घर पहुंचा हूं, समझ रहे हो? मतलब रात में मैं बैठा, मैं शाम को मैं बैठा 5:50-5:40 मिनट में बैठ गया था बस में, तब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और सुबह 5:30 बजे घर पहुँच रहा हूँ। घर आने के बाद मैं तुरंत सो गया, और उसके बाद फिर मैं उठा हूँ दोपहर में करीब 12:00 बजे, फिर ब्रश किया, खाना ना खाया, और उसके बाद फिर से फिर यही सब में लग गया। सो गुड मॉर्निंग, और अभी हो रहा है सारा सामान चेक कि कितना सामान हम लाए। देख लो कितना सारा सामान है, ये देखो, और ये बोरी में लाया गया, क्योंकि यार वो छोटा सा बैग था उसमें आ ही नहीं रहा था, मेरे पास पिट्ठू तो उसमें भी नहीं आ रहा था, इतना सारा सामान लाया गया। ये देखो सब अलग अलग किया जा रहा है।